हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फ्यूचर टेक्नोलॉजी आरसी यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज हम एक वोल्टमीटर बनाने जा रहे हैं जो कि एसी को भी टेस्ट करेगा और डीसी को भी टेस्ट करेगा, ठीक है। तो आपने काफ़ी सारे वोल्टमीटर देखे होंगे जो कि सिर्फ डीसी को चेक करता होगा, लेकिन ये हमारा जो वोल्टमीटर है ये आपका एसी को भी टेस्ट करेगा और डीसी को भी टेस्ट करेगा। यहाँ पर कोई भी सिलेक्शन स्विच नहीं है कि आप एसी पर सिलेक्शन करोगे या फिर डीसी पर सिलेक्शन करोगे, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ दो टर्मिनल है, इन दो टर्मिनल के मदद से आप एसी वोल्टेज को चेक कर सकते हो और डीसी वोल्टेज को चेक कर सकते हो। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए, मैं कैसे किसको और कहाँ पर कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तभी जाके आपको समझ में आएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर देना। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसको बनाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ कुछ MDA बोर्ड जिसे मैंने इसके हिसाब से कट कर लिया है, ठीक है। और दोस्तों, अभी मैं लेता हूँ 1N4007 का 4 डायोड, ठीक है। इस 4 डायोड को आपको ब्रिज रेक्टिफायर की तरह कनेक्शन करना होगा, ठीक है। आपको पता ही होगा ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बनाते हैं, तो उसी तरह आपको बनाना होगा। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों डायोड का जो कैथोड है इसको मैंने एक साइड जॉइंट कर लिया है, तो उसी तरह मैं और दो डायोड लूँगा और इसका जो एनोड है इसको मैं आपस में कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अभी इन दोनों को आपस में मैं जोड़ लेता हूँ इस तरह से, आप देख सकते हो। और अभी इस पर हम थोड़ा सोल्डरिंग कर लेते हैं ताकि हमने जो कनेक्शन किया है ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो दोस्तों, अभी हम यहाँ पर लेते हैं एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो कि है 33 माइक्रोफैराड का और ये 63 वोल्ट का, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं जो कैपेसिटर यूज़ कर रहा हूँ ये 63 वोल्ट का, तो यहाँ पर जो वोल्टमीटर हो रहा है ये आपका मैक्सिमम 63 वोल्ट का आप इसे मेजर कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो मेरे पास ज़्यादा का नहीं था इसीलिए मैं यहाँ पर 63 वोल्ट का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इसे कम का यूज़ करोगे और ज़्यादा वोल्टेज मेजर करोगे तो कैपेसिटर जो है ये ख़राब हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज का कैपेसिटर यूज़ कर रहा हूँ। और दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो एक वाइट कलर का लाइन दिख रहा है ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है और ये इसका पॉजिटिव है। और भी आप यहाँ पर देख सकते हो, जो पॉजिटिव वाला है वो बड़ा वाला है और जो नेगेटिव वाला है छोटा वाला है, ठीक है। तो हमने जो ब्रिज रेक्टिफायर जो बनाया था तो ये इसका पॉजिटिव साइड और ये इसका नेगेटिव साइड। तो अभी हमें क्या करना होगा, कैपेसिटर का जो पॉजिटिव है उसे हमें पॉजिटिव पर और कैपेसिटर का नेगेटिव को इस नेगेटिव पर हमें कनेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने इसका पॉजिटिव को रेक्टिफायर के पॉजिटिव पर कनेक्ट कर लिया है और यहाँ पर मैंने एक इंसुलेशन जो स्लिप होता है वो दे दिया है ताकि ये किसी और के साथ कनेक्ट ना हो जाए। और इसका जो नेगेटिव है इसको मैं यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, अभी मैं ले रहा हूँ एक वोल्टमीटर, एक डीसी का वोल्टमीटर जो कि एक सिर्फ डीसी के वोल्टेज को ही मेजर कर सकता है, लेकिन आज हम इस डीसी वोल्टमीटर को बनाएंगे जो कि एसी को भी मेजर कर सकता है और डीसी वोल्टेज को भी मेजर कर सकता है। यानी कि ये डीसी का वोल्टमीटर एसी वोल्टेज को मेजर कर सकता है और डीसी वोल्टेज को भी मेजर कर सकता है, ठीक है। तो ये रहा इसका दो टर्मिनल। तो दोस्तों, ये जो वोल्टमीटर का ये इसका पॉजिटिव वाला टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव वाला टर्मिनल। तो अभी हमने जो रेक्टिफायर बनाया था, ठीक है, ये डायोड लेकर के, तो इसका जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव है इसको हम इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पर हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये पॉजिटिव पर मैं रेड कलर का वायर को कनेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर देना। तो अभी इसी तरह मैं नेगेटिव को नेगेटिव पर कनेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो रेक्टिफायर मैंने इसीलिए यूज़ किया है क्योंकि ये जो वोल्टमीटर है ये सिर्फ डीसी को मेजर कर सकता है, अगर आप यहाँ पर एसी दोगे तो ये ठीक से वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमने एक रेक्टिफायर लगा दिया है जिसके बदले क्या होगा, अगर आप यहाँ पर एसी का इनपुट देते हो तो ये रेक्टिफायर की मदद से ये डीसी हो जाएगा, फिर ये आपको मेजर करके बता सकता है। और दोस्तों, यहाँ पर रेक्टिफायर लगाने का और भी एक फ़ायदा है आपको, आपका जो आउटपुट का जो टर्मिनल होता है
वो आपका ना तो कोई पॉजिटिव होगा और ना तो कोई नेगेटिव होगा, ठीक है। यानी आप कोई भी टर्मिनल कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हो, आपका कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होगा आउटपुट का, ठीक है। दोस्तों अभी मैं यहाँ पर दो क्रोकोडाइल पिन ले रहा हूँ जो कि इसका टेस्टिंग का पिन होगा, और इसको मैं इधर से यहाँ पर डाल देता हूँ। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका आउटपुट टर्मिनल है वो कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव आप किसी को भी ले सकते हो, ठीक है। इसलिए आप इसको कहीं पर भी रेक्टिफायर पर कनेक्ट कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, आपको रेक्टिफायर पर सिर्फ इनपुट पर कनेक्ट करना होगा, जहाँ पर हमने कैपेसिटर कनेक्ट किया था वहाँ पर कनेक्ट नहीं करना होगा। आपको जो दूसरा दो टर्मिनल था वहाँ पर आपको इसको कनेक्ट करना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये हमारा वोल्टमीटर भी रेडी हो चुका है, तो इसका जो बॉक्स है उसको भी हम बना लेते हैं। दोस्तों हमारा वोल्टमीटर अभी रेडी हो चुका है, तो अभी बारी आती है इसको टेस्ट करने का। तो यहाँ पर मैं एक 9 वोल्ट का बैटरी ले रहा हूँ और इसको मैं चेक कर रहा हूँ। तो ये जो दो टर्मिनल है इसमें किसी को भी आप पॉजिटिव और नेगेटिव ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं रेड वाले वायर को नेगेटिव पर और ब्लैक वाले वायर को पॉजिटिव पर कनेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये मुझे शो कर रहा है 7.5657 इस तरह शो कर रहा है, ठीक है। अगर मैं दोनों को उल्टा लगाता हूँ तो नेगेटिव इस साइड और पॉजिटिव इस साइड पर, तो ऐसा है 7.5, ठीक है। तो ये था डीसी का। तो अगर हम एसी का टेस्ट करेंगे तो ये मेरे पास है कि ट्रांसफार्मर जो कि 12 वोल्ट का है, 12012 का, ठीक है। तो इसको मैं अभी पावर सप्लाई देता हूँ और इसको अभी हम चेक करेंगे यहाँ पर कितना वोल्टेज आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर मैं दो क्रोकोडाइल पिन इस ट्रांसफार्मर के आउटपुट पर कनेक्ट कर लेता हूँ पहले, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक 12 से और एक 0 से ले लेता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं इस ट्रांसफार्मर को पावर सप्लाई देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर अभी हम एसी को टेस्ट करने वाले हैं, तो यहाँ पर मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये आपका आ रहा है 10.9 वोल्ट, ठीक है। यानी कि घर पर जो वोल्टेज है वो थोड़ा डाउन है, इसी की वजह से जो 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है उसका आउटपुट आ रहा है 10.9 वोल्ट। अगर आप इसको चेंज करके देखते हो टर्मिनल, अगर मैं चेंज करता हूँ तो वही आ रहा है, 10.9 आ रहा था, अभी आ रहा है 11 वोल्ट, ठीक है। दोस्तों ये आ रहा है इसका 11 वोल्ट। तो दोस्तों हम इसी तरह एक डीसी वोल्ट मीटर को एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एसी और डीसी दोनों को टेस्ट कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ काम नहीं है, सिर्फ 4 डायोड लेना है और एक रेक्टिफायर बनाना है और उसको इसके साथ कनेक्ट कर लेना है, फिर जो डीसी का वोल्ट मीटर होता है वो एसी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों तो ये था हमारा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट जो कि सक्सेस रहा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब फिर मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए।